हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर विद्यापीठ की डीजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विषय विज्ञान कक्षा 7 का पहले पाठ का अभ्यास। तो शुरू करते हैं पाठ 1 का पहला प्रश्न, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर है, जीवों को अपने शरीर शारीरिक संरचना वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव तथा विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 2 है, परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर, तो एक जगह परजीवी दूसरी तरफ मृत जीवी। परजीवी, पहला पॉइंट, परजीवी अपना पोषण किसी जीवित पौधे या जंतु से लेते हैं। उदाहरण नंबर 2, अमरवेल। मृत जीवी, पहला पॉइंट, मृत जीवी अपना पोषण मृत जीवों के शरीर तथा सड़े गले पदार्थों से लेते हैं। नंबर 2, उदाहरण, म्यूकर, कवक, कुकुरमुत्ता, ईस्ट तथा कुछ जीवाणु आदि। प्रश्न नंबर 3, आप पत्ती में मंड यानी कि स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करोगे? उत्तर है, एक गमले में लगे हुए पौधे को 24 घंटे तक अंधेरे में रख देते हैं, जिससे उसकी पत्तियां मंड रहित हो जाती हैं। इस पौधे की एक पत्ती के दोनों तरफ के कुछ भाग को एक काले कागज से स्लिप की सहायता से ढककर गमले को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। 5-6 घंटे बाद उस पत्ती को तोड़कर अल्कोहल में उबालकर रंगहीन कर लेते हैं। इसके पश्चात पत्ती पर आयोडीन का घोल डालते हैं। पत्ती का जो भाग काले कागज से ढका था वह नीला नहीं होता तथा शेष भाग नीला हो जाता है। काले कागज से ढके हुए भाग को प्रकाश नहीं मिल पाता, इस कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाती है तथा शेष भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होना स्टार्च की उपस्थिति दर्शाती है। प्रश्न नंबर 4, हरे पादप में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। उत्तर है, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। मृदा में उपस्थित जल एवं लवण जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाते हैं। पत्तियों में सूक्ष्म रंध्र होते हैं जो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं तथा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा संग्रहण करते हैं, पत्तियों की सहायता करता है। पत्तियों में संग्रहित सौर ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। प्रश्न नंबर 5, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। तो यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें दिखाया गया है कि पादप मृदा से खनिज लवण प्राप्त करते हैं एवं सूर्य से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करते हैं। पादप को शाकाहारी उपभोक्ता उदाहरण गाय बकरी आदि खाते हैं, जिन्हें शाकाहारी जीवों को मांसाहारी उपभोक्ता उदाहरण शेर भेड़िया आदि खाते हैं एवं शाकाहारी उपभोक्ताओं को सर्वाहारी उदाहरण मनुष्य भालू आदि खाते हैं एवं सर्वाहारी पादपों को भी खाते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए का, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें खालिस्तान कहते हैं। उत्तर आएगा, स्वपोषी। खा, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण खालिस्तान के रूप में किया जाता है। उत्तर आएगा, स्टार्च। गा, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे खालिस्तान कहते हैं। उत्तर आएगा, क्लोरोफिल। घा, प्रकाश संश्लेषण में
पादप वायुमंडल से खाली स्थान लेते हैं तथा खाली स्थान का उत्पादन करते हैं। तो उत्तर आएगा पहले में कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरे में ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 7, निम्न कथनों से संबंध परिभाषिक शब्द बताइए। का, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप, उत्तर है अमरवेल। खा, एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती हैं, उत्तर है घटपर्णी। गा, बेरंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान यानी कि विनिमय होता है, उत्तर है रंध्र। प्रश्न नंबर 8, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। का, अमरवेल उदाहरण है किसी का, पहला है स्वपोषी का, सेकंड परजीवी का, थर्ड मृतजीवी का, फोर्थ परपोषी का। तो उत्तर आएगा परजीवी का। खा, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है, पहला अमरबेल, दूसरा गुड़हल, तीसरा घटपर्णी पिचर पादप, चौथा है गुलाब। तो इसका उत्तर है तीसरा घटपर्णी या पिचर पादप। प्रश्न नंबर 9, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। कॉलम ए कॉलम बी का है क्लोरोफिल, जिसका उत्तर आएगा पत्ती। खा है नाइट्रोजन, जिसका उत्तर आएगा जीवाणु। गा है अमरबेल, जिसका उत्तर आएगा परजीवी। घा है जंतु, जिसका उत्तर आएगा परपोषित। चा है कीटभक्षी, जिसका उत्तर आएगा घटपर्णी या पिचर पादप। प्रश्न नंबर 10, निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। का, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, उत्तर है असत्य। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, उत्तर है असत्य। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है, उत्तर है सत्य। घा, प्रकाश संश्लेषण में से सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, उत्तर है सत्य। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 11, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। का, मूलरोम, खा रंध्र, गा पड़सराय, घा बाहदल। तो उत्तर है रंध्र। प्रश्न नंबर 12, वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है। का, जड़, खा तना, गा पुष्प, घा पत्तियां। तो इसका सही उत्तर है घा पत्तियां। धन्यवाद।